जोहार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डिस्को सेलेक्ट सेवर यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों नाग पंचमी है और हमारे डिस्को सेलेक्ट सेवर यूट्यूब चैनल फैमिली की तरफ से पूरे देशवासियों को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विशेष दिन है नागों के लिए, तो आज हम चलेंगे पहाड़। तो आज हमने रेस्क्यू किया हुआ जो स्नेक है तो रिलीज करेंगे। मेरे मित्र आ रहे हैं बंगाल से और एक मेरा रेस्क्यू टीम का मेम्बर है पप्पू विश्वकर्मा, वो दिल्ली से आ रहे हैं और हम तीनों मिलकर जो है जो वो साफ है रेस्क्यू के उसको हम लोग रिलीज करेंगे। और अभी जो है कुछ दिन बाद हम लोग का नाग देवी जो जिसे कहते हैं माँ मनसा, उसका पूजा आने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रंग पेंट का काम चल रहा है। इधर माही काफ़ी जोरों शोरों से तैयार कर रहा है। और इधर है राजेश माथुर जिसको हम लोग दमा के नाम से जानते हैं। ये रंग पचौड़ा में काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। अभी जरूरत पड़ेगा तो हमको फोन कीजिएगा, हम भेज देंगे सामने। ये हमारा मनसा मंदिर है, माँ मनसा का मंदिर है, आप देख सकते हैं। अभी तैयारी चल रही है, अभी जो है कि दो मेटिया होकर के और आधा अधूरा रेडी है। इसको हम लोग संयुक्त के दिन जो है फुल एंड फाइनल करते हैं। इस मंदिर को पूरी तरह से इसको सजाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से और धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हमारा तीन दिन का पूजा होता है संयुक्त उपास प्रार्थना के साथ, तो हम लोग ख़त्म करते हैं। यानी कि हम लोग का 16, 17 और 18 में हमारा ये लास्ट होगा। तो हमारे ब्लॉग में बने रहे दोस्तों, वीडियो में बने रहे, पीछे चलिए हमारे वीडियो में बने रहे। अभी हम लोग जाएंगे जंगल के लिए, जैसे मैंने बताया मेरे दो मित्र आने वाले हैं, उसके साथ जो है दो सांपों के प्रयोग में रिलीज करेंगे। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे तक वीडियो में बने रहें। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि अभी हम आज नाग पंचमी के इस अवसर पर मैं कुछ सांपों को रिलीज करने वाला हूं। और अभी हम आ गए पीछे जंगल, अब देख रहे हैं मेरे पीछे पहाड़ है, पूरा घना जंगल है। और ये हमारे भाई साहब मित्र हैं। कहां से हैं सर आप? आसनसोल से। आसनसोल से, क्या शुभ नाम हुआ सर? गणेश। गणेश जी आसनसोल से आए हैं खास करके हमसे मिलने के लिए और इनको सांपों से बहुत ज़्यादा लगाव है और इनका मानना था कि आज जो है हम अपने हाथों से सांप को जो है रिलीज करेंगे। तो नाग और नागिन। तो मेरे पास दो स्नेक, तीन स्नेक है जिसमें से एक धामन है और दो कोबरा है, जिसमें से एक बेबी कोबरा है और एक फीमेल कोबरा है। तो बने रहे हमारे साथ, उसको सुरक्षित तरीके से जो हम लोग जो है आज नाग पंचमी के अवसर पर पर्यावरण रिलीज करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक। ये हम लोग चल रहे हैं जंगल से थोड़ा अंदर और जा रहे हैं ताकि ये अंदर छोड़ेंगे वरना ये जो है वापस नीचे की तरफ चला आएगा। ये पूरा हरा भरा जंगल है, आप देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है। और ये जो है लमसम भूपोर से पठानखंडा तक ये जंगल फैला हुआ है, यानी कि 7 से 8 किलोमीटर तक ये जंगल जो है फैला हुआ है। गर्मी के मौसम में अक्सर यहाँ पर आग लग जाती है या फिर कोई लगा देता है, शरारी तत्व जो है वो लगा देते हैं। और ये हमारे टीम के मेम्बर हैं पप्पू विश्वकर्मा जी और उनके बेटे राज, स्नेक रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं। अभी हम लोग जो है कि जानकारी दे करके पर्यावरण में इसको जो है हम लोग रिलीज करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये बेबी कोबरा है और यानी कि एक नाग का बच्चा है और ये लमसम इसी साल का है और ये बहुत ही सुस्त हो चुका है। जैसे कि हमको लगता है ये खाना नहीं मिला होगा, इस चीज़ कारण सुस्त हो चुका है। तो इसको अभी हम लाए हैं पर्यावरण रिलीज करने के लिए। देखिए अभी जो बरसात का मौसम ज़्यादा लमसम बरसात बराबर बरसात हो रही है जिस कारण सांपों का निकलना जरूरी हो गया, अनिवार्य है। छोटा है मगर ये बड़े से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये आपको चूहा का बच्चा समझ करके आपको उंगली को पकड़ लेगा और इसको कितना वेनम डालना है इसको मात्रा इसको पता नहीं होता है। और बड़े सांप में क्या होता है ना कि वो सोच समझ करके ही वेनम को डालते हैं क्योंकि इनका वेनम बर्बाद होने का मतलब है इनको शिकार और डर रही है। तो चलिए आइए, हम आज बेजवान आज नाग पंचमी है दोस्तों, नाग पंचमी के अवसर पर हम एक नाग का बच्चा और एक नागिन है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, उसको जो है कि पर्यावरण में हम जो है रिलीज करेंगे। बने रहेगा हमारा वीडियो में अंत तक। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया मेरे एक मित्र आए हुए हैं, कहाँ से हैं सर आप? आसनसोल।
आसनसोल, इनको भी सांप जो है काफ़ी बेजबान को बचाने में इनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें तो लगता ही है। पीछे हमारे पप्पू भाई हैं और ये रहा हमारे राज। हम लोग सब एक टीम वर्क होकर ही काम करते हैं, और ये हमारे एक सिस्टर आए हुए हैं जो कि हमारे भैया के साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीतिका। रीतिका, इनको आपको भी सांप देखना काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि सांपों के बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि जानकारी ही जो है एकमात्र उपाय होता है इसके लिए बचाव का। तो हमारे मेरा जो YouTube चैनल है दोस्तों, डिस्को स्नेक सेवर 2.0, इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं, वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने संबंधों में शेयर करें, ताकि सांप को जो है बचाया जा सके। क्योंकि सांप बचेगा दोस्तों तो पर्यावरण बचेगा। तो बने रहें, अभी हम एक एक करके जो है तीन सांप छोड़ेंगे, जिसमें एक नाग का बच्चा है और एक नागिन है और एक इंडियन रेड स्नेक जिसको हम लोग धामन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग पर्यावरण में उसको रिलीज़ करते हैं। तो चलिए आइए, अब हम आपको सांप को दिखाते हैं, रिलीज करते हैं सांप को जंगल की ओर। और फिर चलिए आप उसको छोड़ दीजिए, वो जंगल की ओर चला जाएगा। कुछ नहीं होगा, काटे ले रहे हैं। देखिए इतनी खूबसूरती से जो है ये पर्यावरण में जा रहे हैं। ये हमारे नागिन जो है रिलीज हो गया। जैसे कि दोस्तों इन्होंने अभी जो नागिन अपने हाथ से रेस्क्यू किया, ये बंगाल काफ़ी दूर से आए हुए हैं। तो ये जो नाग का बच्चा है ये भी आज नागपंचमी के अवसर पर भैया खुद अपने हाथों से इसको पर्यावरण में रिलीज करेंगे। तो चैनल को दोस्तों उसको प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए आप हाथ में शुभ हाथों से इसको छोड़िए, यहाँ पकड़िए दाबिए। अब हम छोड़ रहे, ठीक है? नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। चलिए आगे 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 आइए ना, आगे जंगल के तरफ रखिए। तो देखिए दोस्तों, भैया जी ने अपने हाथों से जो है इसको छोड़ दिया और सांप जो है पूरी तरह से जंगल के ओर चला गया। दोस्तों ये बचपन से ही ये सांप जो होते हैं ये जहरीले होते हैं, इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी खतरनाक होता है। और इस सांप से छेड़खानी बिल्कुल ना करें। अगर ये आपको अगर दिखाई दे अगल बगल में, आपके घर में दिखाई दे, तो पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों इसको पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीखने की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसको हाथ लगाना इन्हें था आप मौत के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए आइए, आज हम पर्यावरण में आज हमने नागपंचमी के दिन जो है हमने दो सांपों को रिलीज़ किया, और अभी एक सांप और है इसको मैं रिलीज़ करना चाहूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। हम इनको पकड़ लेते हैं। हाँ, वो भी आप फाइनली दोस्तों हमने दो सांपों को छोड़ा, एक नाग का बच्चा था जो कि मेल था और एक नागिन थी, और ये हमारा तीसरा सांप है इंडियन रेड स्नेक। ये चूहा खाने में माहिर है दोस्तों, और ये किसान मित्र सांप होते हैं, और इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जहरीला हो या बिना जहरीला हो, बिना ट्रेनिंग का आप सांपों को हाथ ना लगाएं। तो चलिए आइए, इसको आज हम पर्यावरण में रिलीज करते हैं नागपंचमी का शुभ अवसर। काटता ही नहीं है ना? नहीं नहीं, काटता भी है। आप छू लीजिए इसको, आप जितना आगे लीजिए बस बस, ठीक है? तो चलिए दोस्तों इसको रिलीज करते हैं। आप इसको छोड़िए, ठीक है? आप अपने हाथ से छोड़िए इसको, आज चलो छोड़। ये कितने फुर्ती से और कितने तेजी से ये जो है जंगल की ओर चला गया। तो दोस्तों इधर ला। तो दोस्तों फाइनली हमने सारे सांपों को रिलीज कर दिया। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की वजह से ही हम इस बेजबान को बचा पाते हैं। जय।